बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और वो है गजरेला की रेसिपी, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी में मैं ऐड करूंगी गाजर। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था और उसको ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 कप है, ये ग्रेटेड गाजर है, ये 2 कप वो इसमें ऐड कर देंगे। लिड लगा कर रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। इसको इस वक्त यहाँ पर स्टीम देना ज़रूरी होता है ताकि ये हल्की सी जो है ना गाजर गल जाए। तो बस देखिए 6 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया और एक साइड पर रख लिया है। 1/2 कप चावल लेना है और उसका पाउडर बना लेना है, लेकिन पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। पाउडर बनाने के बाद इसको वॉश कर लेंगे 1-2 पानी से और फिर इसके बाद इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। और अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल, जो हमने पाउडर बना के और भिगो कर रखा हुआ था उसका पानी फेंक देंगे और फिर जो चावल है उसको इसमें डाल देंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल चावल बॉयल करते हैं इसको उसी तरह से पकाना है, लेकिन उन चावलों को हम स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर दम पर रखते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेन नहीं करना है। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा कुक करना है, ज़्यादा देर तक कुक करेंगे कि दाना अलग से नज़र आएगा लेकिन चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके होंगे। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं चावल के दाने नज़र आ रहे हैं लेकिन ये दाने गले हुए हैं। इसको कुक करने का टोटल टाइम 10 से 12 मिनट है। 12 मिनट में अच्छी तरह से ये कुक हो जाते हैं चावल। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पाउडर मिल्क 1/3 कप। पाउडर मिल्क से बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश मिल्क 800 ml, यानी कि 1 लीटर से थोड़ा सा कम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें बॉईल किए हुए जो गाजर थे हमने, जिसको स्टीम दे के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मीठा ऐड करेंगे, यानी कि चीनी ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप या फिर 150 ग्राम मीठा। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप इसमें मीठा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो चीनी ऐड करने के बाद इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए बॉयल इसमें आ चुका है। अब हमें इसे पकाना है, सिर्फ पकाना ही है और इसको गाढ़ा करना है, यानी कि थिक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिक्विडी सा रख कर इसको हम निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें बारी आ जाती है मेवे की। तो पिस्ता ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून और बादाम ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून। तो मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड हो चुका है और अब इसको हमें कुक करना है। सिर्फ देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है। ये देखिए इतना थिक हो चुका है। तो बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाते हुए ही थिक कर देंगे इसको तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको इतना रनी सा रखना है। और अब देखिए इसको डिश आउट कर लिया है हमने। बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गजरेला हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, इसको ठंडा करें और फिर खाएं। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और बना लेते हैं गाजर का मज़ेदार सा हलवा, जो सभी बहुत शौक से खाते हैं। और जिस जगह खोया नहीं मिलता है आज उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज खोया भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं खोया बनाऊंगी और खोया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है 1.5 लीटर। मैं 1.5 लीटर दूध का बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। खोया बनाना घर पर बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। बस दूध में जब बॉयल आ जाए तो बस आपको इसको स्टेयर करते जाना है, इसको पकाते जाना है। इसको इतना पकाएंगे ये थिक हो जाएगा और थिक हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसको खुश्क कर लेंगे, यानी कि पकाते पकाते ही ये खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल एक आटे की डो की तरह बन जाएगा, यानी कि खोया रेडी हो जाएगा। तो देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, कितना थिक हो गया है, दानेदार हो गया है। खोया बनाने में मुझे वक्त लगा है 1 घंटा। अगर आप खड़े रहकर ही, मुस्तकिल खड़े रहकर ही बना रहे हैं तो आप फ्लेम को हाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और काम में बिजी हैं तो फिर आप इसका फ्लेम मीडियम कर सकते हैं और बीच बीच में इसको स्टेयर कर सकते हैं।
तो देखिए किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इस तरह से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये खोया आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी, 1/2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बनाकर रखती हूँ, फ्रीज करती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। और अगर आप उसी वक्त यूज़ कर रहे हैं तो घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1.5 लीटर दूध से बनाया है, तो 1.5 लीटर दूध से 200 ग्राम खोया हमारा रेडी हुआ है। खोया तो हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इसको एक साइड पर रख लेते हैं और अब बना लेते हैं गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने गाजर ले लिए हैं 2.5 किलो, इसको कद्दूकश कर लिया है इस तरह से और एक दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है। हमारे यहाँ ये खूबसूरत सा ऑरेंज कलर का गाजर बहुत आसानी से मिल जाता है, तो हम तो इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो लाल लाल खूबसूरत सा गाजर मिलता हो तो आप उसी से मज़ा उठा सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून घी। घी ऐड करने के बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर दूँगी सारी। देखने में ज़रूर अलग है कलर, लेकिन जायके में बिल्कुल भी अलग नहीं होता है उससे, बहुत ही टेस्टी बनता है इससे भी। गाजरें ऐड करने के बाद इसमें मैं लिड लगा दूंगी। लिड लगाने की वजह ये है ताकि इसमें स्टीम बन जाए और पानी इसका रिलीज हो जाए जल्दी। तो देखिए 15-20 मिनट रखा है मैंने और देखिए पानी इसका इस तरह से रिलीज हो गया है। और अब मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका जो पानी रिलीज हुआ है वो वापस खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें गाजर को गलाना भी है। तो देखिए अभी इसमें पानी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस पानी को मैं खुश्क करूंगी मीडियम फ्लेम पर ही। बस स्टेयर करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो देखिए 20 से 25 मिनट मुझे लगे हैं मीडियम फ्लेम पर ही, गाजर का पानी खुश्क हो चुका है इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ 3 कप। मैं 3 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कुछ लोगों का कहना होता है कि मीठे में मीठा तेज़ होना चाहिए तभी पता चलता है कि मीठा बनाए, तो अगर आप लोग उस तरह से मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से और मीठा कर सकते हैं। चीनी ऐड की थी हमने, चीनी ऐड करने के बाद जो चीनी का शीरा बन गया है इसमें, तो उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, उसको भून लेंगे। किसी भी हलवे को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हलवे की भुनाई होती है तभी उसके अंदर से उसकी जो एक अच्छी सी खुशबू आती है वो उसी वजह से आती है। एक तो घी असली हो, यानी अच्छा वाला घी हो, खुशबूदार घी हो उसमें, तभी हलवा वगैरह जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। चीनी का जो शीरा था वो भी खुश्क हो चुका है, यानी चीनी का पानी भी खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से भून लिया है हमने। और फिर उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। घी ले लिया है 200 ग्राम, यानी कि 1 कप। एक साथ सारा घी ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी इसमें। तो अब मैं घी डालकर अच्छी तरह से फिर से एक बार भूनूंगी, क्योंकि अब इसकी जो खुशबू आएगी घी की वजह से, जो असल इसकी भुनाई होगी तो वो अब होगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। और अब इस पे मैं खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ पिसी हुई इलायची, हरी इलायची पिसी हुई ले ली है 1 टीस्पून। आप 1 टीस्पून से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इलायची डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इसमें साबित इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर पीस के ऐड करें तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसकी। और अब मैं बचा हुआ जो घी था वो इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको फिर से अच्छी तरह से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी। भूनना तो अभी आपको तकरीबन 25-20 मिनट लगाएं इसको भूनें अच्छी तरह से। गाजर का हलवा या कोई भी हलवा बनाना तो बहुत ही आसान है, बस भूनने का ही सारा काम होता है, हाथों में जान अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो बस बातों में हलवा भून गया है, देखें घी आ रहा है नज़र इसमें। अब मैं इसमें लिड लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसका खोया रेडी करूँगी। खोया रेडी करने के लिए ये वही खोया है, इसको मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया था। तो देखें किस तरह से कितना अच्छा बना है खोया, आराम से मैश हो रहा है इस तरह से हाथों की मदद से ही, ये देखें। तो बस इस तरह से हाथों से ही इसको क्रश कर लूँगी, मैं तोड़ लूँगी, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी जिस तरह से होते हैं।
और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है, पैन में डाल रही हूँ घी 1 टेबल स्पून। घी ऐड करने के बाद इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम, और अब इसमें लिक्विड मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, यानी फ्रेश मिल्क। दूध इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, नरम हो जाए, क्योंकि ये सख्त हो रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से इसको नरम करने के लिए मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। तो देखिए लो फ्लेम पर ही करना है, मीडियम या हाई मत कीजिएगा, इससे चिपक जाएगा खोया तो उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर एक अंडा ऐड कर रही हूँ, इसमें फेंट लिया है अंडे को अच्छी तरह से, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड कर रही हूँ और इसको इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। एक हाथ से डालना है और एक हाथ से जल्दी जल्दी मिक्स करते रहना है इस तरह से। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ, एक ही अंडा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अंडा ऐड करने के बाद इस तरह से देखें ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और अब इसको अच्छी तरह से मुझे भून लेना है एक बार। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा आटे की डो की तरह, इस तरह से बस। तो ये खोया हमारा गाजर का हलवा वाला रेडी हो चुका है, ये देखें ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बस इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है, और अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ हलवे में। और अगर आप लोगों को अंडा पसंद नहीं है, अंडा नहीं खाते हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप खोया इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें अंडा डालना ही है, जो लोग अंडा खाते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो लोग नहीं खाते हैं तो वो इसको आराम से स्किप कर सकते हैं। और इस तरह से खोया डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर पिस्ता ले लिया था मैंने 2 टेबल स्पून, इसको चॉप कर लिया है, और बादाम ले लिए हैं 2 टेबल स्पून, इसको भी चॉप कर लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ। और 4 मगज ले लिया है जिसको मेलन सीड्स कहते हैं, 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फिर आप इसमें ऐड कर लें, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। तो बस तैयार हो चुका है हमारा गाजर का मज़ेदार सा हलवा, सारी चीज़ें इसमें मज़े मज़े की जा चुकी हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो बस अब बारी है डिश आउट करने की, तो डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें हलवा डिश आउट हो चुका है, और अब कर लेते हैं इसकी मज़े मज़े की गार्निशिंग खोए से। खोया मेरा जो बना था 1.5 लीटर दूध से 200 ग्राम बना था, और गाजर का जो हलवा बना था उसके अंदर मैंने 300 ग्राम ऐड किया था, क्योंकि मैं बनाकर रखती हूँ एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने 300 ग्राम इसमें ऐड किया था। और ऊपर तो आप जितना चाहे ऐड करें, ये तो आपकी मर्जी है। गार्निशिंग कर ली है कुछ ड्राई फ्रूट से और बॉयल एग से। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।